अभी आपने लास्ट व्लॉग में देखा था आपने, हमने स्कॉर्पियो एन का मैनुअल का वर्सेस ऑटोमेटिक की ड्रैग रेस की थी, जिसमें कि जो हमारी मैनुअल थी स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें, लेकिन अब ये गाड़ी ठीक होके आ गई है। तो आज हम कर रहे हैं इन दोनों गाड़ियों का, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये गाड़ी ठीक होके आ गई है तो अब हम करेंगे इन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस। ये है ऑटोमेटिक, ये है मैनुअल, ग्रीन फॉरेस्ट और ब्लैक, और आपको दिखाते हैं कि अब इस गाड़ी में मैनुअल जीतती है कि ऑटोमेटिक जीतती है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं एक बढ़िया सा व्लॉग, ज़्यादा टाइम आपका मैं ख़राब नहीं करता, लेके चलता हूँ सीधा आपको व्लॉग पे। Z6 है, ये Z4 है, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, इंजन वगैरह दोनों का इक्वल है। इसका इंजन भैया आपका 172 BHP देता है और इसका भी 172 BHP देता है। दोनों का टॉर्क भी 380-370 जो भी है दोनों का सेम है। इसमें भी 2200cc का इंजन है, ये भी 2200cc का इंजन है, दोनों इक्वल है, दोनों की पावर टॉर्क इक्वल है। अब देखते हैं दोनों में से कौन जीतती है और अब शेयर करते हैं आपसे एक तड़कता भड़कता व्लॉग। मुझे पूरी उम्मीद है कि गाड़ी मेरी ही जीतेगी क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक है, मैनुअल पर लोग मैनुअल को ज्यादा बोलते हैं, मैनुअल जल्दी जीतती है। तो अभी देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतती है। तो स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को जूम मोड लगा दूं मैं और जूम मोड में ही गाड़ी को हम दौड़ाएंगे और पक्की है कि देखते हैं कि मेरी ही गाड़ी जीते, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। एसी ऑन है, एसी ऑन है, गाड़ी का करेंगे जूम मोड। हाँ, और चलेंगे अपनी ड्रैग रेस के लिए भाई। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, चेकलेट जा चुके हैं, गाड़ी अपनी जीता बिल्कुल परफेक्ट है। चलो फिर खा के आई है, स्टार्ट करते हैं फिर। हां, जूम मोड कर लेता हूं। हां, मैं भी जूम मोड लगा लेता हूं। बहुत गैप है भाई, बहुत गैप है, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। अब तो मैं स्लो ही कर लेता हूँ गाड़ी को। और तेरी वो भी आ रहा है मुझे। टक्कर थी अब की बार, टक्कर थी पर गियर लगाने में इतना टाइम लग जाता है। टक्कर थी भाई, बट फर्क पड़ता है, ऑटोमेटिक का फर्क पड़ता है। ये देखिए कुलदीप सर हमेशा जीत जाते हैं। अब क्या करें, उम्र का लिहाज करते हुए मैं जिताना भी पड़ता है ना कुलदीप सर को। क्या करें। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ उम्र का लिहाज करते हुए जिताना पड़ता है कुलदीप सर को। लग जाता है गियर लगाने में, वो भाग जाती है। हाँ, ये बात मैं समझ गया था, गियर चेंज करने में टाइम लगेगा ही। टाइम लगा, मैंने पीछे ब्रेक मार दिए थे, तुम देखो मैं आप रेस दे रहे हो, फिर मैंने दोबारा स्पीड पकड़ी गाड़ी की। भाई तो अभी हारा नहीं, बस बैठा था। टक्कर थी नहीं, बहुत है, बहुत है, बहुत है, एक ही बार आएगा जैसे आपने देखा 3-0 से। हाँ, इसको तो फ्रेंड अभी ये देख लिया आपने, मेरी लास्ट टाइम रह गई थी मनचंदा जी। हाँ, और हमारा रह गया था लेकिन हमने पूरा कर दिया है, लेकिन रिजल्ट वही आया है। हाँ, तो आई थिंक क्लियरिटी आपको हो गई होगी। सब कुछ सेम है इस गाड़ी में, ऑटोमेटिक लेने में सिर्फ ऑटोमेटिक है, यही फर्क है, अदरवाइज पावर BHP CHP जो भी आप कहते हैं सब कुछ सेम है, सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल का फर्क था, गियर चेंज का फर्क। हाँ, अगर रेस नहीं लगानी तो फिर दोनों ही गाड़ी बेटर है। ये रेस लगानी नहीं होती, रेस लगानी है। देखो एक चीज होगी कि इनिशियल जो थ्रोटल होगा ना वो उसमें ज्यादा है, अगर लॉन्ग हाईवे पे ले जाएंगे ना शायद ये जीत सकती है, जीत सकती है क्योंकि मैनुअल है पूरी। नहीं नहीं, जीत सकती है सर, हमको मना कर रहे हैं, जीत सकती है, रेस लगानी नहीं होती है, ये जस्ट हम एक फन के लिए बता रहे हैं। और कभी रेस नहीं लगानी चाहिए, और नई रेस लगाने के चक्कर में गाड़ियां लेनी चाहिए कि ये आगे जा रही है ये पीछे जा रही है, मजाक में कर रहा हूं ऐसा। हमारे व्यूअर कहते हैं कुछ नया तो लाओ। हां, वो अलग बात तो ये नए के चक्कर में डाल देते हैं भाई। और रेस का और गाड़ी लेने देने का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब गाड़ी होती है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए चलो फ्रेंड, व्लॉग को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।